हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिकी ट्यूटोरियल्स। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो ऑलवेज बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों ऑलवेज बैलेंस्ड होता है। तो एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि कैन देयर बी अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी हो सकता है सरप्लस या फिर डिफिसिट में चला जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो इसका सिंपल शब्दों में आंसर है, द आंसर इज दैट इन द अकाउंटिंग सेंस देर कैन नॉट बी एनी डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अकाउंटिंग सेंस में कोई डिसइक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है, हाउएवर इन द इकोनॉमिक सेंस वो हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। अब ये अकाउंटिंग सेंस इकोनॉमिक सेंस क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए हमें समझना होगा ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। सिमिलरली हम लोग समझेंगे ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग कैपिटल पेमेंट क्या होता है। चलिए सपोज कीजिए कि फॉर आर्गूमेंट से एक मान लीजिए कि वहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि डिसइक्विलिब्रियम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि डिसइक्विलिब्रियम हो गया, मान लीजिए कि वहाँ पर डेफिसिट हो गया, मतलब जो हमारा जो रिसिप्ट था वो कम हो गया इन कंपैरिजन टू पेमेंट। पेमेंट हमने ज़्यादा कर दी और रिसिप्ट कम हुआ हमारा, तभी तो डेफिसिट हुआ है, ठीक है। अब कीजिए तो डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिसिप्ट चाहिए होगा। अब हम रिसिप्ट कहाँ कहाँ से अर्न करते हैं, द कंट्री अर्न फॉरेन एक्सचेंज, जो रिसिप्ट है वो कहाँ कहाँ से आती है, क्या तो विजिबल एंड इनविजिबल एक्सपोर्ट करेंगी, या फिर यूनिलेटरल रिसिप्ट से आएगा पेमेंट, या फिर कैपिटल रिसिप्ट। यही तो सोर्स है, चार सोर्स जहाँ से हम लोग रिसिप्ट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले ही मान चुके हैं कि बट वी हैव सेड दैट रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दीज सोर्सेज फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट। इन चारों ही जगह से जो रिसिप्ट है वो पूरा नहीं कर पाया है उस पेमेंट का रिक्वायरमेंट को, ठीक है। तभी तो डिफिसिट हो गया है, क्योंकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का डिफिसिट का बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब चारों सोर्स से जो रिसिप्ट था वो कम पड़ गया है। तो हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, तो इन प्रैक्टिस हम किया क्या जाता है कि व्हाट इज डन अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इज आइदर टू बोरो फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज IMF और FA एंड फॉरेन गवर्नमेंट, और टू सेल सम डोमेस्टिक एसेट्स टू फॉरेनर्स। तो इस केस में हम लोग रिसिप्ट पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या तो हम लोग बोरो कर लेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर किसी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोग बोरो कर लेते हैं, या फिर देश का कोई एसेट जो है उसको हम लोग बेच देते हैं, ठीक है, सेल सम डोमेस्टिक एसेट। तो यहाँ पे जब बोरो करते हैं तो फ्यूचर लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, जब एसेट को सेल कर रहे हैं तो रिडक्शन ऑफ एसेट हो रहा है। तो ये सब हो गया कैपिटल रिसिप्ट, तो ये सब एक टाइप का कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि उस जो डेफिसिट था उस डेफिसिट का कमी को पूरा कैसे कर रहे हैं, एक टाइप का कैपिटल रिसिप्ट करके हम लोग पूरा कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं या फिर कोई डोमेस्टिक एसेट को बेच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोन लेना है और डोमेस्टिक एसेट का बेचना है, ये क्या कहलाता है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कैपिटल रिसिप्ट जिसका उद्देश्य होता है फॉर कवरिंग द डेफिसिट, ठीक है, तो उस टाइप का कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है एकोमोडेटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट इज ऑब्टेंड फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस, एक्सप्लिसिट मतलब सोल, फॉर द सोल पर्पस ऑफ कवरिंग डेफिसिट। ये जो कैपिटल रिसिप्ट हमने किया, इसका मेन पर्पस क्या था, टू कवर डेफिसिट, ठीक है ना। तो बाय एकोमोडेटिंग कैपिटल रिसिप्ट वी मीन दोज कैपिटल रिसिप्ट विच आर ऑब्टेंड फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए हम लोग कोई कैपिटल रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा एकोमोडेटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और वहीं किसी और टाइप का कैपिटल रिसिप्ट अगर आप कर रहे हैं, कुछ ही प्रोडक्टिव काम के लिए कर रहे हैं, मतलब आप इक्विलिब्रियम लाने के लिए कैपिटल रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा ऑटोनोमस कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ तक ठीक है। इसका डेफिनेशन एक बार देखते हैं, बाई ऑटोनोमस कैपिटल रिसिप्ट वी मीन दोज कैपिटल रिसिप्ट विच आर नॉट ऑब्टेंड फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, जिसका पर्पस इक्विलिब्रियम लाने के लिए नहीं था, कुछ और काम के लिए था, तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा ऑटोनोमस कैपिटल रिसिप्ट। नहीं तो अगर आप इक्विलिब्रियम लाने के लिए किसी से बोरो कर रहे हैं, फिर कंट्री का एसेट बेच रहे हैं, मतलब कैपिटल रिसिप्ट ले रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका एकोमोडेटिंग कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया ये। सिमिलरली मान लीजिए कि कंट्री के पास अब पेमेंट कम करना पड़ गया और एसेट रिसिप्ट ज़्यादा हो गया, मतलब इस केस में क्या हो गया कि अभी भी डिसइक्विलिब्रियम है, क्योंकि अभी सरप्लस हो गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। तो उस केस में कंट्री क्या करती है, किसी दूसरे कंट्री को लोन दे देती है, लेंडिंग करती है, ठीक है। इन केस ऑफ लेंडिंग, तो लेंडिंग भी एक टाइप का क्या है, कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि लेंडिंग करने से क्या होता है, जो कंट्री का जो फ्यूचर लायबिलिटी है वो रिड्यूस होता है, या फिर एसेट क्रिएट होता है लेंडिंग करने से, ठीक है।
तो जैसे कि बोरोइंग था एक टाइप का कैपिटल रिसिप्ट, वैसे ही लेंडिंग है एक टाइप का कैपिटल पेमेंट। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट और एकोमोडेटिंग कैपिटल पेमेंट। तो एकोमोडेटिंग कैपिटल पेमेंट क्या होगा? दोज कैपिटल पेमेंट विच आर अंडरटेकन फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम लाने के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा सरप्लस हो गया है तो उस बचा हुआ पैसा को हम लोग अगर किसी को लोन दे दे रहे हैं तो वो कैपिटल पेमेंट होगा एकोमोडेटिंग कैपिटल पेमेंट। वरना किसी और काम से अगर हम कैपिटल पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट। तो ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट वी मीन दोज कैपिटल पेमेंट विच आर नॉट अंडरटेकन फॉर द एक्सप्लिसिट पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लाने के लिए किसी और काम के लिए हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट। यहाँ तक ठीक है। तो ये दो टर्म हमने समझा, ऑटोनोमस कैपिटल पेमेंट और एकोमोडेटिंग कैपिटल पेमेंट। डायरेक्टली डिफाइन करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपोनेंट्स इसका भी और डिफरेंट कंपोनेंट्स इसका भी। चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, इट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स एंड यूनिलेटरल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। समझ में आ गया। और इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स, समझ में आ गया मतलब अगर आपने पिछले का वीडियो देखा होगा तब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तब आपको ये ऐसे समझ में आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स बोथ ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर। इसमें ऑटोनोमस हो या फिर एकोमोडेटिंग कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो दोनों इंक्लूडेड होता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ तक। नंबर टू, दीज ट्रांजेक्शन डू नॉट चेंज द एसेट एंड फ्यूचर लाइबिलिटी। आपको पता है या नेचर ऑफ आइटम्स क्या था, ऐसे आइटम्स होते हैं जो एसेट या फिर फ्यूचर लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते, लेकिन कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स हैं वो लोग एसेट या फिर फ्यूचर लाइबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, देयर कैन बी सरप्लस और डिफिसिट इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में सरप्लस या फिर डिफिसिट हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में क्या है कि द सरप्लस और डिफिसिट इन दिस अकाउंट ऑकर्स इन अकॉर्डेंस विद द डिफिसिट एंड सरप्लस रिस्पेक्टिवली इन द करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट में डिफिसिट हुआ है तो यहाँ पे सरप्लस हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो का आप याद कीजिए, लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है ना, अगर करेंट अकाउंट में हमारा कितना आया था पीछे में वैल्यू, -330 आया था, याद होगा आपको अगर पिछला वीडियो आपने अगर देखा है तो हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट में भी बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में भी वैल्यू कितना आ रहा था, +330 आ रहा था। तो अगर जितना करेंट अकाउंट में जो सरप्लस होता है उतना ही कैपिटल अकाउंट में वो क्या होगा, डिफिसिट होगा। और जितना अगर करेंट अकाउंट में अगर डिफिसिट हुआ है तो उतना ही सरप्लस होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा गया कि यहाँ पे तो सरप्लस डिफिसिट अपना इंडिपेंडेंटली हो जाता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उतना ही सरप्लस होगा जितना करेंट अकाउंट में डिफिसिट है, और या फिर उतना ही सरप्लस उतना ही डिफिसिट होगा जितना करेंट अकाउंट में सरप्लस है। ठीक है, यहाँ तक। अब कुछ लास्ट पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट आर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ टी, ये विजिबल ट्रेड का अंदर आ रहा है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल्स, इम्पोर्ट्स ऑफ टेक्नोक्रेटिक सर्विस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजेक्शन इन दिस अकाउंट FDI हो गया, इन द कंट्री लोन टेकन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब हो गया करेंट कैपिटल अकाउंट का एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इतना ही है फिर आज का वीडियो। उम्मीद करता है आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से ऊपर आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।